लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजद ने इंडिया गठबंधन से 2 सीटों की मांग कर दी है। यह मांग राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की है। राजद का कहना है कि अगर गठबंधन उन्हें दोनों ही सीटें देती हैं तो दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पलामू और चतरा दोनों ही सीटों से राजद चुनाव लड़ती और जीतती आ रही है। ऐसे में गठबंधन अगर चतरा के साथ साथ पलामू भी राजद को देती है तो जीतना तय है। वह आगे कहती है कि उनकी तैयारी 5 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन बीजेपी को भगाने के लिए वह 2 ही सीटों की मांग कर रहे हैं। गठबंधन के लिए राजद ने विधानसभा चुनाव में भी त्याग किया है। सीटिंग सीट गढ़वा, भवनाथपुर, पलामू, मनिका, सारठ समेत अन्य सीटें छोड़ दी। अब गठबंधन के साथी भी त्याग करें और राजद को दोनों लोकसभा सीटें दें। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है, पलामू और चतरा। और हम गठबंधन के सभी साथियों से, इंडिया गठबंधन के, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए, पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। सारी बातों का माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा है, और पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा, ये दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल एक बार नहीं, कई बार हम लोग लोकसभा जीते हैं, और 2 लोकसभा के जितने विधानसभा है, सभी सीट विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सभी सीटों में जीता है, और जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। कह सकते हैं कि गर्मजरवा नहीं रहती है, दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का हक बनता है, और हम लोग लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से भी आग्रह किए कि हम लोग का इधर जनाधार है, बॉर्डर का जिला है, लोकसभा है, हम लोग लगातार जीते भी हैं, इसलिए मौका दिया जाए। और आश्वासन मिल रहा है कि भाई अभी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आजकल इस गल में होने वाला है, तो जो चतरा पलामू में संस्पेश बरकरार है, इसको हम लोग जल्दी पदक्षेप चाहते हैं। आप लड़ेंगे चतरा से? देखिए, हम लड़े, कोई लड़े, पार्टी लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान होगा, कि कौन लड़ेगा, जो भी लड़ेगा, हम लोग उनको जिताने के लिए पूरा रात दिन ताकत के साथ काम करेंगे, और 10 बरस के शासन में जनता भी सबूत चुकी है, सब बदलाव चाहती, परिवर्तन चाहती है, क्योंकि दोनों लोकसभा में लगातार एक ही पार्टी के सांसद है, चतरा लोकसभा, पलामू लोकसभा, और शहर से लेकर गांव तक कोई भी काम जितना घोषणा हुआ आज तक 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, कोई धरातल में एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए जनता चाहती है कि यहाँ पर विकास, रोजगार, मूलभूत सुविधा को दे सकता है तो महागठबंधन के नेता दे सकता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता दे सकता है। ये पूरा जनता भी सब तैयार है कि आप लड़िए, हम लोग जीते हैं, जीतेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।